में फंसे 41 लोगों के लिए आपने खाना बनाया? जी 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 सर। क्या सब था उसमें? सर उसमें हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। कितने पैकेट बनाए आपने? सर ऑलमोस्ट वो 150 पैकेट थे सर। तो डॉक्टर की निगरानी में आप खाना बनाए हो? जी जी जी। इनके लिए जो खाना बनाया गया उसमें क्या एहतियात बरते हो? एक्चुअली सर उसमें हमने उनका काप्स का ध्यान रखा है, राइस दिया है काप्स में, प्रोटीन इनटेक के लिए उनके लिए पनीर दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड ऑल अदर थिंग्स। इजी टू डाइजेस्ट? यस 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 यस। दिखाएंगे किचन में? ओके ओके। खाने का प्रिपरेशन वेलकम। और आपके जो बना जी 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 हम सर प्रॉपर फूड सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं और हमारे जी 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 ऊपर है। हाँ हमने आज उनके लिए संजीत राणा। राणा साहब आज आपने खाना बनाया है उन 41 मजदूरों के लिए जो हाँ, हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या क्या बनाया था? हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये तीन चीज़ें दी हमने उनको। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा, एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए दो रोटी, एक आदमी के लिए एक राइस और एक सब्जी। कुछ खास निर्देश भी दिया गया था कैसे बनाना है? हाँ बिल्कुल दिया गया था। हमने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। ऐसा खाना आपने बना के भेजा? जी बिल्कुल, ऐसी तरह आप देख सकते हैं। ये पनीर है, ड्राई पनीर, ये पनीर कढ़ाई है और हमने उनको इसको ड्राई करके दिया था। ये काजू और मगज की ग्रेवी बनाई जाती है टमाटर ऑनियन के साथ। और एक बार फिर से बताइए कैसे कैसे बनाया था पनीर? काजू मगज प्याज और टमाटर के साथ उसको भूनते हैं उसको, ये ग्रेवी लाइव बन रही है, इसको देख सकते हैं, यही ग्रेवी थी, इसके साथ हमने उनको बना के दिया था। इसके साथ जी जी सिंपल चपाती, बटर चपाती दिया था, चपाती बटर लगा के। एक आदमी के लिए एक पोर्शन था, इतना ही चावल था जितना आप देख रहे हो, एक पर्सन के लिए इतनी सब्जी थी। हाँ क्योंकि पाइप का ये उन्होंने बताया था कि पाइप का छेद छोटा है इसलिए इतना देना कि जो उसके अंदर मतलब आसानी से पहुँच जाए। बस हो गया सर।